हाँ जी, की हाल है सारिआं दा। स्वागत है तुहाडा साडे चैनल विराज ब्लॉग्स ते। तो अज सैकंड डे है, असी आए हुए हैं कांगड़ा। तो इत्थे कांगड़े दे विच काफ़ी लोकेशन ने, पर साडे कोल टाइम की कमी होण करके असी आए हुए हैं कांगड़ा फोर्ट दे विच। तां एंट्री दे ही टिकट काउंटर है, तो टिकट काफ़ी सस्तियां ने, 25 रुपए पर परसन है। तो इतों असी टिकट्स लै लिया ने, हुण असी एंट्री करन लगे हाँ। तो आ जाओ, तुहानू कांगड़े दा अंटीक ते ओल्ड किला दिखाने आ, ते आजो जुड़े रहो। हाँ जी, टिकट्स है ने, चलो। ये किले की एंट्री है, बहुत सोहना बनाया हुआ है। तो इसकी की हिस्ट्री है, की इतिहास है, ये अपन अंदर जाके पता लगेगा। तुम देख सकते हो काफ़ी वधिया बनया हुआ। फोटोशूट चल रहा है, मम्मी वेटिंग च ने, रजनी फोटोशूट कर रही है। हाँ जी, ये एंट्री गेट है। तो इस गेट का नाम है रणजीत सिंह द्वार। आ जाओ चलते हैं। ये सिंगल रस्ता है किले वाले जाने का। अभी तो एंट्री हुई थी, तो पहली हवा लग गई है। की हो गया डैडी? खत्म हो गया, खत्म हो गया, धक्का ला के ले आ रहे हैं चढ़ाई पे। एंट्री तो आप चढ़े ही हाँ, तो ओ मम्मी डैडी पहले ही। हाँ जी हाँ, की हो गया है? की हो गया? थोड़ी जी रेस्ट कर रहे हैं, लगभग 300 फुट असी चढ़ाई जा रहे हैं। इस तो बाद ये है जहांगीर दरवाजा जी। ऊपर तुसी देख सकते हो लोकेशन बहुत सोहनी है। उपरों वो पिछे पहाड़ दिख रहे ने, नीचे का व्यू है। अरे ओ जाना टीसी ते आ गए हैं कि है? पानी 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 आ गए। हाँ जी रेडी, ठीक हो? चलो उपर। लास्ट आए स्टेज नहीं हजे कितने। हाँ जी, दर्शनी दरवाजा, तो एक साइड गंगा लिखा हुआ, एक साइड यमुना। चलो एंट्री, आखिरकार पानी मिल ही गया। मम्मी पानी 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 करी जाते थे, उपर जाके पानी है। हाँ जी मम्मी, ओह माँ मिल गया पानी। असी उपर आए हैं, तो उपर एक मंदिर बनया हुआ सामने, तो काफ़ी लोग इतने मत्था टेक रहे ने। असी भी जाने मत्था टेकते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर करके है। इतों सामने व्यू दिख रहा है, आ जाओ तुहानू भी दिखाने। असीं आए हैं नीची पहाड़ चढ़ के। कांगड़े की रियासत का पुराना किला है, इत्थे आके पता लग्या भी राजे महाराजे कैद किए हुए लोगों को कहीं पत्थर ढहा के लेबर करा के आपदे रहने वास्ते करते थे। इत्थे आपदे सियासी कैदियों दुश्मनों कैद करते थे। पुरानियां चक्कियां जिथे इन्हों तो आटा पिहाया जाता सी, छोटे छोटे कमरे ना कोई सहूलत सी, इस करके सज़ा के रूप से सारा कुछ किया जाता सी। ते लोगों को इत्थों कितों किसी की बाहर आवाज़ नहीं जाती थी उस समय, कहने आपके दुश्मनों इतने कैद रखा जाता, बंदा इतने गल सड़ मर जाता।
ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨਰੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰੈਸ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਚਲੋ ਰੋ ਲੱਗਦੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਇਹ ਉੱਪਰ ਟੋਪ 'ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਪਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖੰਡਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਪ 'ਤੇ ਬਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਰੀਲਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਟੋਪ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਫਾਈਨਲੀ ਟੋਪ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਡੈਡੀ ਮੰਨ ਗਏ ਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਮੰਮੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਹਾਂ ਦੇਖ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਕੀ ਖੱਟੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਖੱਟਣਾ ਕੀ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਹ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੇਮ ਆਈ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ ਧੁੱਪੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਕਰਾਉਂਗੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗੜਾ ਦਾ ਫੋਰਟ ਦਾ ਟੋਪ ਪਲੇਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਦਾਸੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਖੰਡਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਿਲ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਟੋਪ 'ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਆ
हाँ जी, किला देख लिया ते म्यूजियम भी देख लिया। अंदर वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड थी, ये करके मैं ज़्यादा नहीं दिखाया, छोटी जी क्लिप मैं विच ऐड करती सी। ता वधिया या एंटीक चीज़ा ने जो पुराने शासक होंदे सी उन्हां दे की टूल्स सी, केड़े सिक्के यूज करदे सी, ओदी नॉलेज दित्ती गई। तो जिन्हें इंटरेस्ट है उन्हें काफ़ी फैसिनेटिंग लगेगा। ता हुण जी इत्थों कांगड़ा तो असीं चल लगे हाँ, तो आज चलते हैं। हाँ जी, तो हुण असीं आए हाँ बाबा बुढ़न शाह जी की दरगाह ते। आनंदपुर साहब तो अगे वल नूं जदों असीं आउणे हाँ तो असीं इत्थे मत्था टेकन लगे हाँ। तुसीं पहलां भी आए हो? रजनी जी का फस्ट टाइम है, मैं पहला भी मत्था टेकिया होया। तो आज चलते आपां अंदर मत्था टेकदे हाँ। आज बाहर मार्केट बनी हुई है, ये बाबा जी की दरगाह आ। चलो आपां चलते हैं। हाँ जी, हुण असीं आए हाँ बाबा गुरदित्ता जी दे मत्था टेकण। ये गुरद्वारा साहब बिल्कुल बाबा बुढ़न शाह जी की दरगाह के ओपोजिट वाले पहाड़ पर है। तो इत्थे ये वार है भी तुसीं शरदा नाल ते सच्चे मन दे नाल तुसीं जो भी मंगोगे बाबा जी तुहाडी वो मुराद जरूर पूरी करते ने। तो आज फिर मत्था टेकते हैं। हाँ जी, तो लंगर छक लिया। हाँ जी रेडी, गुरु घर का लंगर छक लिया बाबा गुरदित्ता जी का गुरद्वारा साहब च। तो हुण असी बाबा श्री चंद जी के धूने ते मत्था टेकन चले। चलिए अम्मी, चलो चलो बाबा जी चलते हैं अगे। असी आए हाँ गुरद्वारा बाबा श्री चंद जी के ये सामने। तो उस तो पहला इत्थे बौली साहब है, उत्थे जल नाल असीं पंज इशनान करांगे। पंज इशनान करन तो बाद फिर आंदे गुरद्वारा साहब दे विच मत्था टेकांगे। हाँ जी, बौली साहब है। हाँ जी, फाइनली असीं मत्था टेक लिया सारे किते। हुण साडी घर वापसी है। ये साडा जो फैमिली टूर सी फ्रॉम पटियाला टू धर्मशाला, ते धर्मशाला तो वापस पटियाला, वो कंप्लीट होने वाला है। बस होने वाला है, 2 hours पटियाला पहुंच जाना। दो तो लगे 2.5 घंटे ते अंदर अंदर पहुंच जाना है। तो परमात्मा की मेहर रही है, सुख शांत रहा हाले तक। तो बस हूँ घर पहुँचते हैं। तो तुहानू ब्लॉग किवें दा लग्या अपने व्यू जरूर दिओ, प्यार जरूर करो, तो चैनल नू सबसक्राइब। हाँ, चैनल नू सबसक्राइब कर लियो। मिलते हैं नैक्सट ब्लॉग।